आज के एपिसोड में बताएंगे वॉर 2 के लिए जूनियर एनटीआर कितनी फीस ले रहे हैं, जानवी कपूर जंगली पिक्चर्स की किस फिल्म में नजर आने वाली है, नवाज की जोगीरा सारा रा 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 की नई रिलीज डेट क्या है और कब से शुरू होगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा 2 की शूटिंग। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज नेवर हैव आई एवर के चौथे और आखिरी सीजन का ट्रेलर आ गया। इस सीजन में सीरीज की लीड कैरेक्टर देवी अपने स्कूल डेज के फाइनल ईयर में है, जो अपनी लाइफ में आने वाली अलग अलग दिक्कतों से जूझ रही हैं। 10 एपिसोड्स की सीरीज को 8 जून से देख सकेंगे। नेटफ्लिक्स की हॉरर फिल्म बर्ड बॉक्स की स्पिन ऑफ बर्ड बॉक्स बार्सिलोना की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें शहर से लोग भागते हुए दिख रहे हैं। इस फिल्म को डेविड और एलेक्स पास्टो डायरेक्ट कर रहे हैं, इसे 14 जुलाई से देखा जा सकेगा। अर्जुन रामपाल तेलुगु फिल्म में डेब्यू करने जा रहे हैं। अर्जुन ने एक अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया, बताया कि वो नंदमुरी बालाकृष्णन की अगली फिल्म NBK 108 में नजर आएंगे। अनिल रविपुड़ी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में हो रही है। अर्जुन जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा की सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जून से कांतारा 2 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म की लोकेशन भी फाइनल कर ली है। इसे कर्नाटक के जंगलों में शूट किया जाएगा। फिल्म को अगले साल अप्रैल या मई में रिलीज किया जा सकता है। मनोज बाजपेयी की फिल्म बंदा लीगल पचड़े में फंस गई है। फिल्म के मेकर्स और मनोज बाजपेयी को आसाराम बापू ट्रस्ट की तरफ से लीगल नोटिस मिला है। आसाराम बापू के वकील ने कोर्ट से मांग की है कि इस फिल्म की रिलीज और इसके प्रमोशन पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। फिल्म 23 मई को Z5 पर आएगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म जोगीरा सारा रारा की रिलीज पोस्टपोन हो गई। पहले इस फिल्म को 12 मई को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसे 26 मई को रिलीज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 12 मई वाले हफ्ते में कई फिल्में एक साथ रिलीज हो रही थी, इसलिए मेकर्स ने जोगीरा सारा रारा की रिलीज पोस्टपोन कर दी। राजामौली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर बात की है। हाल ही में हुए एक इवेंट में राजामौली ने बताया कि वो महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो कभी महाभारत पर फिल्म बनाएंगे तो वो 10 पार्ट वाली फिल्म होगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बनाने के लिए वो एक साल तक अलग अलग वर्जन में लिखी गई महाभारत को पढ़ेंगे, उसके बाद ही फिल्म पर काम शुरू करेंगे। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने वाली है। इसका वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर 12 मई को होगा। पिछले साल सितंबर में रिलीज हुई इस मूवी को ऑडियंस का ठीक ठाक रिस्पॉन्स ही मिला था। जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 में दिखाई देने वाले हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में काम करने के लिए जूनियर एनटीआर ने 30 करोड़ रुपए की फीस ली है, मगर कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि जूनियर एनटीआर फिल्म के लिए फीस नहीं लेंगे, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर इस फिल्म से जुड़ेंगे। यानी फिल्म जितना प्रॉफिट कमाएगी जूनियर एनटीआर को उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। बीते दिनों शाहरुख खान ने फिल्म पठान के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल अपनाया था, जिसकी वजह से शाहरुख की कमाई करीब 200 करोड़ रुपए हुई थी। जानवी कपूर ने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। वो जंगली पिक्चर्स की फिल्म उलझ में दिखाई देंगी, जिसमें वो IFS ऑफिसर बनेगी। सुधांशु सरिया के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में गुलशन देवैया और रोशन मैथ्यू भी होंगे। इस महीने के अंत से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म प्रोजेक्ट के पोस्टपोन होने की खबरें आ रही हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई कि अमिताभ को फिल्म के सेट पर चोट लग गई थी। ई टाइम्स के मुताबिक उनकी इस चोट के बाद फिल्म की शूटिंग रुक गई है। मेकर्स अब अमिताभ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। इसकी शूटिंग फिर कब से शुरू होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत संभव है कि इसे जनवरी 2024 में रिलीज ना किया जा सके। डायरेक्टर शंकर ने रामचरण की अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर और कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 पर अपडेट दिया है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि रामचरण की गेम चेंजर के धांसू क्लाइमैक्स की शूटिंग पूरी कर ली गई है। अब वो कमल हासन की इंडियन 2 के सिल्वर बुलेट सीक्वेंस पर काम शुरू करेंगे और उसकी शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में करेंगे। दोनों ही फिल्मों का जनता को इंतजार है। ये फिल्में इस साल के अंत या अगले साल के मिड तक रिलीज की जा सकती हैं। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।